फ्रेंड्स ये है गंडियाली। आप लोग मुझे लगता है इसको कचालू भी बोलते हो। ये हिमाचल में इसको बोलते हैं गंडियाली, पंजाब में इसको बोलते हैं कचालू। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की टोकरी में सो गए थे। वो वाले कचालू है जी जो बंदर की टोकरी में सोने को मजबूर कर देते हैं। इनको मैं छील लूँगी, इनकी बनेगी चाट। मैं आपके साथ पूरी शेयर करूँगी। मैं इनको छील लेती हूँ पहले। वैसे तो ये मैंने बॉयल किए हैं क्योंकि ये बड़े बड़े थे, यानी इतने इतने बड़े थे ये। इतने बड़े बड़े थे ये, तीन थे, एक किलो लिए थे मैंने। अब मैं इनको छील लेती हूँ, आसानी से ये हो जाते हैं। इनको उबाल लिया था मैंने और ये ठंडे हो गए हैं, तब मैं इनको छील लूँगी, फिर मैं आपको इसके चाट बना करके दिखाऊँगी। ये मैंने गंडे आली काट ली है, इसे मैंने दो आलू भी डाले हैं। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। ये है जीरा, काली मिर्च, काला नमक और लाल मिर्च। वैसे ना इसमें डालते हैं हरी मिर्च, तो हरी मिर्च तो नहीं है डालनी क्योंकि मिर्ची हरी भरी जो है ना वो बहुत ही तेज है। तो ये है हमारी इमली, तो हम इसमें डालेंगे इमली। इमली से ये हो जाएगी चटपटी। इमली हमने डाल दी है, अब हम लेंगे ये थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि ये जो चाट है ना ये थोड़ी थोड़ी रेड कलर में होती है। हमारे हिमाचल की ये स्पेशलिटी है, ये हम व्रत में खा सकते हैं। हाथ से मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए इसका ना कलर आ गया है वही हिमाचल वाला। चाट बन के रेडी हो गई है गंडियाली की। अंशी का स्वाद है? हाँ जी, अंशु ने तो खाना ही नहीं कुछ भी, स्वाद खा ला थोड़े।